केंद्र के कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संदर्भ में आई खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा, केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने लिखा, मीडिया के एक हिस्से में आई इस प्रकार की रिपोर्ट गलत और आधारहीन है। पिछले महीने सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी। तेलंगाना, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का समर्थन किया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने लॉकडाउन बढ़ाने का विरोध किया। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति बनाने की जरूरत है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रेड जोन वाले लोगों को ग्रीन जोन में जाने की अनुमति ना हो। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि इस समय हमें राजनीति नहीं बल्कि मिलकर काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 7000 को पार कर गए। सोमवार को जारी हुए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड 19 पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 7233 हो गई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में इस बीमारी से किसी की जान नहीं गई है। अभी भी मौत का आंकड़ा 73 ही है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक 2129 लोग इलाज के बाद कोरोना को मात दे चुके हैं। बीते 24 घंटे में 60 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में दिल्ली में कोरोना के 5031 एक्टिव पेशेंट हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला दिल्ली में सामने आया है। यहां एक बलात्कार पीड़िता कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद बलात्कार के आरोपी को जेल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया। बलात्कार का आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उसके साथ दो और कैदियों को क्वारंटाइन किया गया। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस जानलेवा वायरस की जांच के लिए खास तैयारी की है। जेल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें मौजूदा कैदियों की जांच की स्क्रीनिंग की जाए। इसके साथ ही जेल प्रशासन ने नए कैदियों की जांच पर खास फोकस किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण वित्तीय दिक्कतों में जूझ रही यूपी सरकार ने नगर प्रतिकर भत्ता, सीसीए व सचिवालय भत्ता सहित 6 भत्तों को समाप्त करने का फैसला किया है। वित्त विभाग से जल्द ही इससे संबंधित शासनादेश जारी होगा। बताया जाता है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इस पर मुहर भी लगा दी है। सरकार के इस फैसले की भनक कर्मचारी संगठनों को लग चुकी है।